मास्टर गुरु, और मैं यहाँ पर इस चैनल में आया हूँ आपको कुछ फिटनेस के बारे में बताने के लिए। तो स्टार्टिंग ये है कि मैं आपको आज बताऊंगा कि आप ट्रेनिंग कैसे शुरू करें और क्या आप शुरू में खान पान रखें और किस तरीके से, मतलब किन चीज़ों पर पहले स्टार्टिंग में जोर रखें, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यही चीज़ बताऊंगा कि आजकल के दौर में आपके पास सिर्फ एक ऐसा टाइम है जहां पर आप खुद को फिट रख सकते हो। तो मॉर्निंग टाइम पे आपके पास बहुत टाइम होता है थोड़ा सा उठने की होती है, तो आपने थोड़ी सी हिम्मत करके ये काम करना है कि उठो सुबह, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा वर्कआउट जरूर करो। उसका फ़ायदा मैं आपको बता दूंगा कि आजकल जैसे मैंने देखा कि बच्चे ज़्यादातर सोए रहते हैं 9, 8, 9, 10 बजे तक। जवान जो बच्चा है, जैसे पहले कहते थे जवान बच्चा तो सुबह दौड़ना चाहिए, आजकल बिस्तरे पे दौड़े होते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा ज़माना वैसा हो गया है कि लेजीनेस ज़्यादा आ गई है। तो यहाँ मैं आपको सब बताऊँगा। कई जैसे होते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, वो स्टार्टिंग तो करना चाहते हैं लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनमें होता है कि स्टार्ट करना है करना है करना है लेकिन हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, कोई उठ नहीं पाता है। कोई स्टार्ट एक दो दिन करता है तो उसके बाद हार जाता है, थक जाता है, या उसको लगता है कि कहीं ऐसा कुछ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप नॉर्मली कहीं पर स्पेशली आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप सुबह उठो, कहीं पार्क पर जाओ या रोड पर कहीं ट्रेनिंग करो, ऐसे कुछ भी कहीं पर भी आप चाहो तो घर की छत पर करो। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसी जगह आप चीज़ें बताऊँगा जो आपको इफेक्टेड करेंगी। तो सबसे पहले ये बात ये है कि आप उठो कैसे। थोड़ा सा ये मोटिवेशनल आप मुझे कह सकते हैं कि मोटिवेशनल बातें बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी अपने आप को फिट रखोगे, अगर आपकी एज 14-15 साल से ऊपर से लेके 28-30 साल के बीच में है, वैसे तो सबको लिए मैं बोल रहा हूँ लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या कि आजकल ये जो उम्र का जो बच्चा है वो ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं वो सुबह सोए रहते हैं। उनका मतलब दिल तो होता है करने का कि खुद को फिट रखें लेकिन हो नहीं कर नहीं पाते। तो सिंपल सी इसमें बता रहा हूँ आपको बात कि पहले आप खुद को तैयार करो और धीरे धीरे उठो। जैसे अगर आप 8 बजे उठते हो तो 7 बजे उठो। 7 बजे उठ के पहली बात तो प्रैक्टिस करने में शर्म नहीं कभी करनी है। कई मैंने ऐसे देखे जो शर्म भी करते हैं, तो शर्म नहीं करनी है, खुद को फिट रखना है। जितना खुद को फिट रखोगे उतना बीमारियों से बचोगे, उतना आपके शरीर पर ग्लो रहेगा, आप उतने एक्टिव रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको एक्सरसाइज सुबह वर्कआउट करने से फ़ायदा होता है। तो सुबह उठिए, पहले स्टार्टिंग में ऐसा करिए 8 बजे उठते हो 7 बजे उठिए, अलार्म लगाइए मोबाइल में, आजकल मोबाइल का ज़माना अलार्म लगा होता है। एक बार उठ के हल्का सा 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर दौड़िए, ज़्यादा नहीं दौड़ना है स्टार्टिंग में। थोड़ा सा जॉगिंग करिए, स्टार्टिंग पर नहीं दौड़ना है, हल्की सी जॉगिंग, मतलब थोड़ा सा स्पीड में, जैसे हम कहते हैं स्पीड तेज चाल होती है, वैसे करिए स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनके शिवे मतलब अभी फैट आ रही है या मोटा हो रहे हैं, वो जो लोग मोटे हो रहे हैं उनके भी दिमाग में होता है कि यार हम कुछ करेंगे तो थोड़ा फिट रहेंगे या हमारा ये पेट बाहर आ रहा है, फील होता है कि हम फिट रहें लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना रहे हैं, हम ये चैनल पे वीडियो डालेंगे जिससे आपको थोड़ा सा जितना हो सकता है मैं आपको प्रॉफिट कराऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्टअप है कि जॉगिंग नॉर्मल करिए, शुरुआत में ज़्यादा तेज़ मत करिए, सबर से चलिए, जल्दबाजी मत करिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ जिसका असर एकदम से नहीं मिलता, जैसे आपने मेडिसिन रात को खाई तो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उसका असर हो गया। एक्सरसाइज का असर रूटीन बाय रूटीन करने से और थोड़ा टाइम लेके होता है, लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो दवाई से भी ज़्यादा तेज़ असर करता है। तो स्टार्टिंग यही है, जॉगिंग करिए हल्की फुल्की, उसके बाद ज़्यादा जोर आपने स्ट्रेचिंग पे रखना है, बॉडी स्ट्रेच पे। जैसे मैं आपको इसमें एक्सरसाइज भी बताऊँगा, आगे हम चैनल में एक्सरसाइज बताएंगे, आप स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा जोर रखिए स्टार्टिंग में। जो आपका हफ्ता या 10 दिन के जो बीच का जो स्टार्टिंग जो दिन होते हैं, आपने सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, कोई बात नहीं है। तो कोई ऐसी मूवमेंट थोड़ी एक्सरसाइज बीच में एक दो ऐसी मिक्स करो जिसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क हो जाए। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग आप सिर्फ स्ट्रेचिंग करिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से खून का दौरा सही होता है, आपकी जो नसें खुलती हैं, ब्लड सर्कल तेज़ होता है, तो उसका फ्लो भी अच्छे तरीके से चलता है, तो थोड़ा शरीर में एक्टिवनेस आना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से ज़्यादा मेन फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं, जोड़ हैं, आपकी जो बॉडी है उसमें जो खून का दौरा एकदम रूटीन वाइज चलता है, तो बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, ठीक है।
और ज़्यादातर ये होता है कि स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्टिंग करिए, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो खाना पीना ये है कि आप वो चीज़ मत खाइए जो आपको नुकसान कर रही है, या किसी चीज़ को रूटीन में मत खाइए। जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं खाना है, या मैं बाकी लोगों से नहीं बोलूँगा कि आपने फैट लूज़ करनी है तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वर्कआउट करो, हार्ड वर्कआउट करो, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं होती। आप जितनी कैलरी खा रहे हो उससे अगर ज़्यादा बर्न करते हो तो उल्टा ही होगा, आप पतले हो जाओगे, लेकिन पतले होने के साथ साथ आपके मसल क्रिएट कर जाएंगे। एक होता है वेट को लूज़ करते हो, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हो, कुछ ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो लटकना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि खाना पीना ऐसे मत बंद करिए कि आपके शरीर की एनर्जी ख़त्म हो जाए। मैं सीधी से आपको एग्जांपल देता हूँ, मोटरसाइकिल आपके पास, बाइक है, कार है, गाड़ी है, कुछ भी है, पेट्रोल नहीं डालेगा तो चलेगी कैसे? और अगर आप सोचो कि नहीं, मेरी गाड़ी की एवरेज मैंने कुछ ज़्यादा देनी है या गाड़ी के कुछ कंज्यूम करना है, तो आप तेल को कंज्यूम कर देंगे तो इंजन बीमार पड़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जब वो मशीनरी होके नहीं काम कर सकती तो आपका तो शरीर एक बहुत ही, जिसको हम क्रिटिकल बोलते हैं, मशीनरी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि खाने पीने के ऊपर सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपको जो चीज़ सूट नहीं करती है या जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बस वो नहीं खानी है। बाकी आपके लिए जो चीज़ चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, ताकत के लिए चाहिए, आपके शरीर ग्रोथ के लिए चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, जो भी होते हैं, मिनरल, प्रोटीन्स वगैरह, ये जरूर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने देखा है, खाना छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं का। तो सो गाइस, इससे मैं वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। आपको बाकी वीडियो में, अगली वीडियो में आपको हम स्टार्टिंग बताएंगे एक्सरसाइज कैसे करनी है, जॉगिंग कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खैर।